हेलो, 21 दिन के डायनामिक मेडिटेशन चैलेंज में आपका स्वागत है। ये चैलेंज हम आपको दे रहे हैं लविंग टू वे ऑफ द हार्ट सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन से। ये एक इंस्टीट्यूट फॉर पर्सनल ग्रोथ है। यहाँ पे हम करवाते हैं मेडिटेशंस, हिप्नोसिस एंड थेरेपीज, और सबके लिए है। बट आज की खास बात यह है कि हम 21 दिन का एक डायनामिक चैलेंज सबको दे रहे हैं, ताकि ये एक ग्रुप प्रोसेस हो और ये ग्रुप आपको मदद करे इन 21 दिनों के चैलेंज में, जो डायनेमिक मेडिटेशन कहा जाता है। डायनेमिक ध्यान एक सक्रिय ध्यान है और ये ध्यान हमें ओशो ने दिया हुआ है। ये बहुत ही साइंटिफिक ध्यान है। इस ध्यान की वजह से आपके शरीर और मन में दबे हुए तनाव, दबी हुई भावनाएं, पुराने जकड़ के पकड़े हुए विचारों जाने देने में आपको मदद मिलती है। इस ध्यान के बाद आप बहुत ही हल्का और फुर्तीला महसूस करते हैं। डायनामिक मेडिटेशन एक घंटे का ध्यान है। ओशो की सूचना के अनुसार ये सुबह, जल्दी सुबह करना जरूरी है। भूखे पेट होना भी बहुत जरूरी है। और आप इस ध्यान करते वक्त हल्के कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने तो आपको मदद मिलती है। इस ध्यान में 5 चरण है। पहले 3 चरण 10-10 मिनट के और आखिरी 2 चरण 15-15 मिनट के हैं। एक खास सूचना, इस ध्यान के दौरान आपकी आंखें बंद रहेंगी। पहला चरण, नाक के द्वारा पूरी तरह से सांस बाहर फेंकें। शरीर को इस तरह से रखें कि वो पूरी तरह से बस आपको सांस से नाक के द्वारा बाहर फेंकने में मदद करे। उछलिए कूदिए, पर पूरा ध्यान आपका नाक से सांस बाहर निकालने में रहेगा। शरीर अपने आप सांस लेता रहेगा, आप सिर्फ नाक से सांस बाहर निकालिए। बस ध्यान यही रखना है कि सांसें अराजकता से तेज, गहरी और पूरी तरह से अस्त व्यस्त होनी चाहिए, एकदम इरिदमिक, किसी भी पैटर्न को नहीं रखना है। बट जितनी गहरी और तेज सांस लेंगे आप, उतनी ही आपको मदद मिलेगी और आप दूसरे चरण में आसानी से जा पाएंगे। दूसरा चरण, सारी सांस पे काम करने के बाद बहुत सारी भावनाएं उभर के आ सकती है। इन्हीं भावनाओं को आपको व्यक्त करना है। चीखे, चिल्लाए, कूदे, हंसे, नाचे, जो भी शरीर आपको करने को कह रहा है बस उसे करते जाएं। तीसरा चरण, दोनों हाथों को सीधा ऊपर करके अपने पैरों के पंजों पर अब आपको कूदना है। हू बोलकर, हू आपका एकदम गहराई से आना चाहिए और 10 मिनट तक कूदते हुए अपने आप को पूरी तरह से इस हू की ऊर्जा में डुबो दीजिए। चौथा चरण, जैसे ही आप स्टॉप की आवाज सुनेंगे तुरंत ही रुक जाए, फ्रीज हो जाए, बिल्कुल भी हिले या डुले नहीं, और बस शरीर और मन में क्या चल रहा है उसे दृष्टा भाव से देखें। पहले 3 चरण आपको इस चरण के लिए तैयार करते हैं। यह है मौन का चरण।
पांचवा चरण सेलिब्रेशन डांस इसका चरण है. पूरी तरह से आप नृत्य में डूब जाएं और संगीत सुनते सुनते अपने शरीर को जिस तरह चाहे वैसे नाचने दें और सेलिब्रेट करें. Thank you.